कृषि दर्शन दिखाइए जम्मो किसान भाई बहनी मल्ला राम राम। संगवारी हो, आज हम लौकी की खेती के बारे में विस्तार से चर्चा करो। खेती किसानी में आज की चर्चा है लौकी की उन्नत खेती। जैसे कि आप जानत हो कि लौकी हर एक बहुत ही सुपाच्य सब्जी माने जाते और औषधि गुण से भरपूर रहते। लौकी के जूस ला औषधि के रूप में ले जाते और स्वास्थ्य के लिए बड़ा लाभदायक होते लौकी है। तो संगवारी हो, लौकी के ये तो लाभ है हमार स्वास्थ्य के लिए, लेकिन एक उन्नत खेती करके किसान भाई कैसे समृद्ध हो सके, कैसे ज़्यादा आमदनी कमा सके, ये विषय में आज खेती किसानी में चर्चा के विषय है। हमारे देश प्रदेश की आबोहवा कृषि कार्य के लिए अनुकूल है। यहाँ के किसान भाई बहन भी विभिन्न प्रकार की फसलों, फल, फूल और सब्जियों की खेती करते हैं। परंपरागत विधि के साथ वैज्ञानिक विधि भी अब कृषक भाई बहन अपना रहे हैं, जिसके कारण उत्पादन दर में भी वृद्धि हुई है। प्रदेश के किसान भाई बहन बेल वाली सब्जियों की खेती भी वैज्ञानिक तरह से करने लगे हैं, जिसमें लौकी का प्रमुख स्थान है। इसकी खेती मैदानी भागों में फरवरी मार्च और जून जुलाई में की जाती है। लौकी की खेती जो अधिक आमदनी देती है, उसे करने के लिए पॉलीहाउस तकनीक में सर्दियों के मौसम में भी नर्सरी तैयार करके की जा सकती है। पहले इसके पौधे तैयार किए जाते हैं और फिर जहां इसकी मुख्य रूप से खेती करनी है वहां इसके जड़ों को बिना नुकसान पहुंचाए रोपित किया जाता है। छत्तीसगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों में किसान लौकी की खेती वैज्ञानिक तरीके से, वैज्ञानिक विधि से करके आत्मनिर्भर हो चुके हैं। लौकी की खेती के लिए हम लोग बहुत अच्छा जमीन की गहरी जुताई करते हैं गर्मियों में, और जुताई करके उसको 2 महीने तक सूखने देते हैं। सूखने के बाद में फिर हम लोग उसमें गोबर की खाद प्रति एकड़ 4 ट्राली के हिसाब से हम लोग बेसल डालते हैं उसमें, और कम मात्रा में रासायनिक खाद का भी उपयोग करते हैं उसमें। उसके बाद फिर उसको बेड का सेफ दे करके उसमें फिर मल्चिंग से उसको ढक देते हैं, ताकि मल्चिंग इसलिए ढकते हैं कि पानी का वेपरेशन कम हो और इंसेक्ट का भी प्रकोप कम हो। और फिर ड्रिप इरिगेशन से हम लोग उसमें सिंचाई करते हैं। ड्रिप के माध्यम से पानी और खाद दोनों की मात्रा हम लोग देते हैं, और हर पानी के बूंद में खाद की मात्रा समान रूप से होती है, जिससे पौधे का संपूर्ण विकास हो। किसान भाइयों, किसी भी प्रकार की खेती करने से पहले जलवायु के बारे में भी थोड़ा जागरूक होना चाहिए, ताकि कृषि उचित तरीके से की जा सके। लौकी की खेती के लिए गर्म और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। इसकी खेती के लिए गर्मी और बरसात दोनों ही मौसम सही कहलाता है। बीज अंकुरण के लिए 30 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान और पौधों की बढ़वार के लिए 28 से 32 डिग्री सेल्सियस तापमान उपयुक्त माना जाता है। लौकी की खेती करना है तो कर नर्सरी तैयार करके पौधा तैयार कर लेना चाहिए तो ज़्यादा अच्छा रहते, या तो कई किसान भाई मन बीज ला ही सीधा बो देते। तो संगवारी हो, पहली लौकी के नर्सरी तैयार करना चाहिए, और लौकी के नर्सरी तैयार करे के बाद जब नर्सरी तैयार हो जाए उही समय भूमि के तैयारी जहाँ लगाना है वहाँ भूमि के तैयारी कर लेना चाहिए। वैसे आजकल फ्लड विधि से पानी पलोए के रिवाज कम होके बल्कि टपक विधि से पानी पलोना या पानी के नियंत्रण करना, जल प्रबंधन करना, ये ज़्यादा अच्छा रहते। तो संगवारी हो, आप पहली भूमि की तैयारी कर लो, अच्छा से जोताई कर लो, वो में जैविक खाद गोबर खाद अच्छा से मिला लो, ओकर बाद ओला मादा बना लो, और मादा बनाए के बाद फिर वो में जो नर्सरी के पौधा है ओला गोबर खाद मिले हुए जो मादा तैयार है वो में लगाना चाहिए, और टपक विधि से ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से आप ओकर बराबर पानी बेरा बेरा में देवत रहो। लौकी की खेती के लिए अच्छी जल धारण क्षमता वाली जीवाश्म युक्त हल्की दोमट भूमि सर्वोत्तम रहती है। जगह या खेत के चुनाव के बाद उस खेत की तैयारी के लिए सबसे पहले मिट्टी पलटने वाले हल से एक बार गहरी जुताई करके 2 से 4 बार हैरो या देसी हल से खेत की गहरी जुताई करके मिट्टी को बारीक और भुरभुरी कर लेना चाहिए। साथ ही साथ पाटा लगाकर
मिट्टी को समतल और बारीक करना चाहिए, जिससे नमी का उचित संरक्षण भी होता है। लौकी का फसल लिया है जो लगभग 2 एकड़ में है। इसमें सबसे पहले मैं शुरुआत में अच्छे से जुताई किया हूँ। प्लाऊ से हम लोग 2 बार इसको मिट्टी को पलटाए हैं। उसके पश्चात हमने इसमें रोटोवेटर चला के मिट्टी को बारीक किया। उसके पश्चात हमने फिर रेजर से क्यारी खींचा। ये मांदा से मांदा की दूरी इसमें 7 फीट है। 7 फीट के उसमें हमने फिर बेसल के उसमें बेसल डाला, सुपर फॉस्फेट और आपका बायोजाइम वगैरह हो गया या यूरिया पोटास, आप जो भी बेसल है उस प्रकार से इसमें डाल के इसको बेड को बंद कर सकते हैं। बंद करने के बाद हमने इसमें ड्रिप लाइन को इसमें बिछाया है। उसके पश्चात हमने डायरेक्ट शीट को सोइंग किया है। ये वैरायटी है वी एन आर का हरूना वैरायटी है ये। और इसमें उसके बाद सोइंग करने के बाद हमने इसमें बांस वगैरह जो बांस तार या धागा जो भी है आपको मंडप के लाइक लगता है उसको लगाना चाहिए। उसके पश्चात ये वैरायटी की खासियत ये है कि ये लगाने से 45 दिन के अंदर फ्लावर और फ्रूटिंग इसमें आप फर्स्ट 45 डेज़ में आप इसका फ्रूटिंग चालू हो जाता है। इस वैरायटी की खासियत ये है और ये मार्केट में ये बहुत अच्छा इसको पसंद करते हैं। इसका फ्रूट का साइज़ और फल का लंबाई ये सब बहुत बहुत पसंद करते हैं। इसको मार्केट में अच्छा रेट मिलता है। अगर इसको अगर टाइमिंग में लगाया जाए तो ये हमारे लिए बहुत सुटेबल है। और प्लस हम किसान भाइयों की हम जैसे किसानों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि लौकी एक बहुत लाभकारी फसल है। सब्जी में मसाला ज्यादा है, कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है, और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो कीटनाशक जहरीले होते हैं, डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं, दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ समझ गया मेरी रानी, अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। जी जी जी, किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-1800-1551 पर संपर्क करें। आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान, किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशु पालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। पानी के बाद में आते कि वो में भूमि के तैयारी के साथ साथ जो खाद है, जैसे जैविक खाद, वर्मी कंपोस्ट खाद, एकर साथ साथ वैज्ञानिक मन के सलाह से ही रासायनिक खाद के उपयोग जरूरत पड़त है तो करना चाहिए। और खासकर लौकी है, नार वर्गी सब्जी है, तो एकर लिए मंडप बनाना बहुत जरूरी है। मंडप में लौकी जब फलही तो वो जमीन में नहीं माड़े और लटकत रही, जैसे कि आप देखत हो मैं खड़े हूँ और पीछे में बहुत सुघर लौकी, बड़े बड़े लौकी लटके है और हनी किस्म के ये लौकी है। तो संगवारी हो,
लौकी की कई किस्मा थे, तो जो किस्म बहुत उन्नत और अच्छा है वो किस्म लगाना चाहिए। खाद एवं उर्वरक की बात की जाए तो फसल की बुवाई के पहले माह में गोबर खाद को समान रूप से मिट्टी पलटने वाले हल या ट्रैक्टर से जुताई कर देनी चाहिए। बीजों की बुवाई के लिए सीधे खेत में बोने के लिए बीजों की बुवाई से पहले 24 घंटे पानी में भिगोने के बाद टाट में बांधकर रखते हैं। उपयुक्त तापमान में रखने से बीजों की अंकुरण प्रक्रिया गतिशील हो जाती है। इसके बाद बीजों को खेत में बोया जा सकता है, इससे अंकुरण प्रतिशत बढ़ जाता है। किसान भाइयों, बेसल में लौकी की फसल लेने के लिए आपको गोबर खाद के साथ आप जो भी सुपर फॉस्फेट या डीएपी वगैरह, यूरिया पोटास जो भी आप चाहे डाल सकते हैं। उसके बाद अगर आपके पास ड्रिप इरिगेशन है तो ड्रिप के थ्रू आप भी बहुत सारे ड्रिप खाद वगैरह डाल सकते हैं। यूरिया पोटास जैसे हो गया 19-19, 13-0-45, ये सब स्टेज स्टेप वाइज डलाता है। जैसे छोटा स्टेज है उस टाइम आप यूरिया पोटास से ही वो कर सकते हैं। जब फ्लावर और फूटिंग वगैरह में आ गया तो आप 19-19, 13-0-45 कैल्शियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम, अमोनियम, ये सब इसमें आप खाद कम से कम में आप अच्छा फसल ले सकते हैं। ड्रिप की वजह से आपको कोई भी खाद 2-3 किलो प्रति एकड़ के उससे ही दर से देना है। इसमें खाद उतना ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, पर हाँ बेसल का ध्यान ज़्यादा अच्छे से रखिए। बेसल के टाइम आप बिल्कुल उसको अच्छे से डालिए। किसान भाइयों, बीजों की बुवाई के लिए लौकी के बीजों की 2-5 सेंटीमीटर से 3-5 मीटर की दूरी पर 50 सेंटीमीटर चौड़ी और 20-25 सेंटीमीटर गहरी नालियां बनानी चाहिए। इन नालियों के दोनों किनारे पर गर्मी में 60-75 सेंटीमीटर के फासले पर बीजों की बुवाई करनी चाहिए। एक जगह पर 2-3 बीज 4 सेंटीमीटर की गहराई पर बोना चाहिए। पहले हमने उसको प्लाउ से अच्छे से 2 बार जुताई किया है, उसके बाद उसमें रोटोवेटर चलाए हैं इसको मिट्टी को बारीक करने के लिए। उसके बाद हमने इसको रेजर से क्यारी खींचा है। रेजर की जो उसमें हमने दूरी रखी है लाइन टू लाइन वो 7 फीट है। उसके बाद हमने इसमें बेसल खाद वगैरह डाले हैं, यूरिया, डीएपी या जाइम वगैरह जो इसमें मिट्टी के हिसाब से अपने हिसाब से आप डाल सकते हो। हमने मांदा को इसमें कम से कम ज़मीन से उसको 6-8 फीट ऊंचाई में रखा है। मांदा इसलिए इसमें ज़रूरी है, बरसात के दिनों में अगर हम मांदा नहीं बनाएंगे इसमें तो ये पानी की वजह से फसल उतने अच्छे से उठेगा नहीं और पौधे में सड़न गलन का शिकायत आपसे ज़्यादा रहेगा। ग्रीष्मकालीन फसल के लिए 4-5 दिन के अंतर में सिंचाई की आवश्यकता होती है, जबकि वर्षाकालीन फसल के लिए सिंचाई की जरूरत बारिश ना होने पर पड़ती है। ठंड के दिनों में 10-15 दिन के अंतर में सिंचाई करनी चाहिए। सिंचाई के साथ खेतों में निराई गुड़ाई भी बहुत जरूरी है और लौकी की फसल के साथ कई प्रकार के खरपतवार भी उगाते हैं, जिनके रोकथाम के लिए समय समय पर 3-4 बार निराई गुड़ाई करनी चाहिए। आज से करीब 15 वर्ष पहले हम लोग फ्लड इरिगेशन में खेती किया करते थे। पिछले 15 वर्षों से हम जो है ये ड्रिप इरिगेशन में खेती कर रहे हैं। उससे पहले जब फ्लड में करते थे तो बहुत परेशानियां आती थी और अभी ड्रिप आ जाने की वजह से काफ़ी सुविधाजनक हो गया है और किसी भी स्वस्थ पौधे और अच्छी पैदावार के लिए एक स्वस्थ नर्सरी की आवश्यकता होती है, जो कि आज पॉली हाउस में नर्सरी होता है, जहाँ पर ट्रे में हम स्वस्थ नर्सरी लेकर के यहाँ पर ट्रांसप्लांट करते हैं। जैसा कि लौकी लगा हुआ है, इसमें प्लांट से प्लांट की दूरी 3 फुट है और पौधे से पौधे की दूरी 5 फुट है। हमारे खेत में जो मल्चिंग किया हुआ है, ये मल्चिंग पिछले हम लोग 7-8 वर्षों से प्रत्येक वर्ष हर फसल में करते हैं। इस मल्चिंग के अनेक फायदे हैं, जैसे कि इससे पहले जब मल्चिंग नहीं हुआ करता था तो पानी ज़मीन से वाष्पीकरण होकर ऊपर उड़ जाता था और जड़ों में पानी कम होता था। हमारे बोरवेल में, नालों में पानी कम है और ड्रिप से हम पानी कम हमको इसमें ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि मल्चिंग लगा हुआ है, वाष्पीकरण नहीं होता है। दूसरी बात, खरपतवार, जैसे कि खरपतवार जो है वो फसल का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। खरपतवार ही पूरे फर्टिलाइजर को, खाद को नीचे से वो शोषित कर लेता है। अभी इसमें मल्चिंग करने के बाद में हमको खरपतवार से पूरी तरह से निजात मिल जाता है। जब किसान भाई बहन
इतने ध्यान से और नए नए कृषि प्रणाली का उपयोग करते हैं, मल्चिंग शीट, ड्रिप इरिगेशन का प्रयोग हो या अन्य तकनीक, तब फसलों के उत्पादन में वृद्धि तो होगी ही। जब लौकी के खेतों में उसके मुलायम फलों की तुड़ाई करते हैं, फलों को पूरी तरह से विकसित करने पर कोमल अवस्था में किसी तेज चाकू से पौधे से उसे अलग करना चाहिए। मांदा के साथ साथ हमने इसमें मंडप का भी कार्य किया है। मंडप इसलिए गढ़ाया है क्योंकि बेल, ये जो लौकी बेल वाली फसल है, इसके बेल में चढ़ने के लिए उसको आपको रस्सी और बांस की इसमें बहुत आवश्यकता है। इसमें आप कम से कम 6-6.5 फीट का बांस और बांस से बांस की दूरी 6-7 फीट की आप रखना है उसको दूरी को, और उसमें आपको 2 लाइन का तार लगाना है। डबल उसमें वो करोगे तो कम से कम सपोर्टिंग रहता है, गिरने का उसमें कोई चांस नहीं रहेगा। उसके पश्चात आप इसमें धागा यूज़ कर सकते हैं या प्लास्टिक रस्सी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें जाली मारने के लिए आप उसको जिगजैग वाइज धागा को आप उसमें पेड़ के उसमें बेल को उसमें चढ़ाइएगा, जिगजैग वाइज मार के उसको आप पेड़ को उसमें बाली उसके तने उसको चढ़ाइएगा। इससे लौकी की फसल उसमें आपके धागा के थ्रू उसमें अच्छे से चढ़ जाता है और उसमें मतलब टॉप उसका और ज़मीन के संपर्क में कम से कम रहे तो अच्छा फ़ायदेमंद है। इसमें उसमें बीमारी वगैरह कुछ नहीं आता है। लौकी में धागा का भी एक बहुत अच्छा वो है, कॉम्बिनेशन बना सकते हैं आप। तार के साथ हमने इसमें एक प्लास्टिक रस्सी और प्लास्टिक धागा भी हमने यूज़ किया हुआ है। प्लास्टिक रस्सी इसमें सपोर्टिंग का काम करता है और धागा को हम जिगजैग मारते हैं, इसलिए मारते हैं क्योंकि ये जो बेल है वो हम इसमें आसानी से लपेट सके, इस वजह से ये आसानी से आप मतलब ऊपरी उसमें जो तार है उसमें चढ़ जाएगा। उसके बाद आपको उसमें कुछ ज़्यादा करने का कोई ज़रूरत नहीं है। ये लौकी अपने आप उसमें फल आने के बाद वो ज़मीन में टच नहीं हो गया, वो ऊपर में ही रहेगा। इसका बहुत बड़ा उपयोग भी ये है भी कि आपको दवाई मारने में भी सुविधा होता है, आपको कम से कम फल आपका ज़मीन में नहीं रहता तो डैमेज भी कम से कम होगा। इसमें बहुत सारे आपको फ़ायदा मिलेगा। किसान भाइयों, लौकी की खेती का भारत में विशिष्ट स्थान है और छत्तीसगढ़ में भी विभिन्न क्षेत्रों में लौकी की परंपरागत हो या वैज्ञानिक विधि से हो खेती की जाती है। और आजकल वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करके किसान भाई बहन अगर लौकी की खेती करते हैं तो सीजन और ऑफ सीजन दोनों में बेहतर क्वालिटी की लौकी अधिक उत्पादित कर सकते हैं। किसान भाई बहन अब खेती करने में वैज्ञानिक विधि को अपना रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी किसान वैज्ञानिक विधि से लौकी की फसल साल में 3 बार उगाकर अधिक पैदावार के साथ अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं, और मुनाफा कमाने के साथ ही साथ ये साबित कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के किसान भाई बहन अब वैज्ञानिक विधि से परंपरागत विधि को प्रयोग में लाकर अपनी आत्मनिर्भरता की कहानी स्वयं गढ़ रहे हैं। संगवारी हो, अभी अब बेरा हो गए है गीत संगीत के, तो हमारे किसान भाई मन भर लेके आए हैं हम एक सुघर अकन लोकगीत, तो आओ लोकगीत के आनंद लन। मोर ओड़ा ने गांव के उत्ती मुड़ा मा हवे बड़े जन हाथी, मोर ओड़ा ने गांव के उत्ती मुड़ा मा हवे बड़े जन हाथी, मोर ओड़ा ने गांव के उत्ती मुड़ा मा हवे बड़ा जन हाथी, मोर ओड़ा ने गांव के उत्ती मुड़ा मा हवे बड़ा जन हाथी। मनोकामना पूरा होते जानत नीरज मोरे नाते, मोरी उड़ान गाँव के उगते मुड़ा में हवे बड़ा जन हाथी, मोरी उड़ान गाँव के उगते मुड़ा में हवे बड़ा जन हाथी। दर्शन करतन नारी मन हा जावे नहीं, नारी मन हा
राज मोरे नाते मोरी उड़ान गाँव के जंगल में जन्म धरे है चारा पानी सिरावे नहीं हाथी पाठ देवता के महिमा है भारी सुरतल कोनो भुलावे नहीं बारो महीना मुँह में पानी के ओगरा बारो महीना वो में पानी के ओगरा हवाए करिया माते मरी उड़ान गाँव के उगते मुड़ामा हवे बड़े जन हाथे मरी उड़ान गाँव के उगते मुड़ामा हवे बड़ा जन हाथे कहीं गवाए रही थे तेल हाथी पर देवता मिला देते इन्हें जगह ले जाए रही थे गा तेने जगह वो लला देते धरती लकोड़ के बिला बना दे तिल कोड़ के बिला बना दी थे हवाए करिया माते मोरी उड़ान गाँव के उगते मुड़ामे हवे बड़े जन हाथे मोरी उड़ान गाँव के उगते मुड़ामे हवे बड़ा जन हाथे बीच जंगल में जन्म धरे है बीच जंगल में जन्म धरे है यड़बड़ कर साथे मोरी उड़ान गाँव के उगते मुड़ामे हवे बड़े जन हाथे मोरी उड़ान गाँव के उगते मुड़ामे हवे बड़े जन हाथे मोरी उड़ान गाँव के उगते मुड़ामे हवे बड़े जन हाथे मोरी उड़ान गाँव के उगते मुड़ामे हवे बड़े जन हाथे संगवारी हो अब जाए के बेरा हो गए जाए के पहले हम अपन किसान भाई मन ला बता दन कि अवैया बेरा में फिर एक नया फसल एक नया जानकारी हमार किसान भाई मन पर लेके आवो आ तब तक दो हम ला विदा। वैसे आप दूरदर्शन से बराबर खेती किसानी कार्यक्रम देखत रहे करो तो जाए के बेरा जम्मो किसान भाई बहनी मन ला राम राम।